अस्सलाम वालेकुम। पानी साढ़े भी पानी वो बाहर किलो कर रहा तीन टू तीन बार यहाँ पे जो ट्रेड सेंटर चक्कादा बाग, यहाँ पे हर बार जो फ्लड आता है काफ़ी नुकसान होता है, तो कितनी पंचायतें आप यहाँ मौजूदा सरपंच भी हैं, तो जमील साहब बीडीसी के चेयरमैन भी, आप क्या कहेंगे? सर दरअसल इसके बारे में बैक टू विलेज का जो हमारा यहाँ मीटिंग होती रही है जी, पब्लिक इकट्ठी होती रही है, उसमें जो ऑफिसर सब थे हॉर्टिकल्चर के उनको भी हमने आके मौका दिखाया, उन्होंने जाके डीसी साहब को, पहले जो डीसी साहब चले गए यादव साहब, उनको भी बताया है, लेकिन कोई तोजा देख के राजी नहीं है। ये करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है, ये हिंदुस्तान का पैसा है, हमारा पैसा है, तो इसके साथ साथ ये जो यहाँ एक डबल स्टोरी एक थाना है इसी ट्रेड सेंटर के लिए, उसमें लोगों को यानी जहाज़ के जरिए बाहर निकालना था अगर वो पहले ही ना निकल जाते तो। एक ये मिडिल स्कूल है हमारा, ये मिडिल स्कूल भी देखो उसके अंदर पूरा पानी गया है, इस कुदरती अल्लाह की तरफ से यानी वो बच गया है। बाकी ये जो हमारी पंचायत करमाड़ा है सब लोगों के ये खेत हैं जिसके लिए हम यानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो दोजन दिया खेत भी जो बह रहे हैं। तो ऐसा बताएंगे कि डिपार्टमेंट का जो फ्लड कंट्रोल है यहाँ पे उसकी नाकामियाँ हैं, यहाँ पे हर बार फ्लड आता है, यहाँ पे जो आपका जो ब्रिज बना है वैली ब्रिज ये भी लॉस हो जाता है, पानी काफ़ी आता है, तो आप लोग किस तरह गुजार करते हैं जब ये पार टूट जाता है? सर ये जो है ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ग्रिफ है जी, यहाँ अगर सिविल डिपार्टमेंट होता तो मेरे ख्याल हमें पूरी जिंदगी यहाँ कुछ भी ना इंतजाम मिलता है जाने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ये रोड है जिसकी वजह से ग्रिफ डिपार्टमेंट जो है इसको फौरी तो जो है इस रास्ते को चालू कर देते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत अख्तर हालात होते हैं और 200-300 आदमी लेबर का काम करते हैं, उसी हिसाब हजूरी से आते हैं। तो आप क्या कहेंगे आला हुकाम से, इस कोई सफाई होनी चाहिए इस जगह की वगैरह करके आप लोग यहाँ के मौजूद? तो आला काम मोदी साहब तक ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पुंछ का इसका स्पेशल विजिट करवाएं किसी पार्टी से और विजिट करके देखें हम लोग झूठ बोल रहे हैं या सच है, यहाँ तवज्जो ही कोई नहीं दे रहा है और करोड़ों रुपये का जो है ये प्रोजेक्ट जो तबाह हो रहा है, तबाह और बर्बाद हो रहा है। शुक्रिया जी, अल्लाह।